चेयरमैन साहब की तरफ से राजा पे 1300 रुपए लिखो भाई चेयरमैन की रुड़की में वर्षों से और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर दंगल होता है, कुश्ती होती है और यहाँ पर राज्य और राज्य के बाहर से भी बड़ी संख्या में पहलवान इसमें भाग लेते हैं। जब पार्टी फॉरम की बात आती है तो हम अलग अलग होते हैं, लेकिन जब खेल कूद या जब सामाजिक तौर पे आते हैं तो उस वक्त हम रुड़की निवासी होते हैं। नहीं भाई, बहुत खुशी हुई कि रुड़की में वर्षों से और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर दंगल होता है, कुश्ती होती है और यहाँ पर राज्य और राज्य के बाहर से भी बड़ी संख्या में पहलवान इसमें भाग लेते हैं। कुश्ती ये हमारा भारतीय खेल है, हमारे गांव-गांव में खेला जाता था खेल और निश्चित रूप से इससे प्रोत्साहन मिलेगा और उससे हमारा जो युवा पीढ़ी है वो स्वस्थ भी होगी और तमाम तरह के जो कई बार दुर्व्यसन हो जाते हैं उन व्यसनों से भी बच्चे हमारे बचेंगे। सर, आप जिस स्टेडियम में पहुंचे हैं वहाँ की दुर्दशा बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन यहाँ के विधायक को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों इस तरीके से दंगल, पिछले 53वां दंगल है, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को होता है और तमाम शहरों के यहाँ पहलवान आते हैं बड़े ही उत्साह के साथ। ये दंगल होता है, पहलवानों के यहाँ पे आपस में द्वंद होता है और उत्साहवर्धन होता है लगातार। ऐसे मंच है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता एक जैसा नजर आते हैं, देखिए जब खेलों को बढ़ावा देते हैं। देखिए जब पार्टी फॉरम की बात आती है तो हम अलग अलग होते हैं, लेकिन जब खेल कूद या जब सामाजिक तौर पे आते हैं तो उस वक्त हम रुड़की निवासी होते हैं, प्रदेश के रहने वाले लोग होते हैं, उस वक्त कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं होता, केवल रुड़की निवासी होता है। और ये नेहरू स्टेडियम दंगल कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इतना बढ़िया दंगल कराने के लिए। सरकार की डबत है, अगर मान ले हम साई में साई की ट्राल दे रहे, अगर हम साई की ट्राल दे रहे उसमें फर्स्ट हो है, तो सरकार की तरफ तो भाई रहना खाना फ्री सब फ्री है। वैसे भाई नेशनल में अगर मेडल लाओगे तो सरकार नौकरी भी देगी और सारी फैसिलिटी देगी, खर्चा टालोगे। अभी फिलहाल कुछ सुविधा नहीं मिल रही भाई, हम दाहत है देशपाल के खाड़े से बिलोंग करे, वहाँ फिलहाल मैट की भी व्यवस्था नहीं है और बाकी तो हम देख ही रहे, प्रैक्टिस बालकों की प्रैक्टिस सब करे। हम तो सरकार तो नहीं कहे, जितने भी छोटे खाड़े हैं उन्हें मैट की सुविधा देवे, थोड़ा सा जिम देवे, जिसकी वजह से बालकों में प्रोग्रेस हो, उनमें लगाव बढ़े। आज स्वतंत्रता दिवस है, सभी जगह खेल कूद जितने भी पहलवान आए हैं ये अपना हुनर दिखा रहे हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस।